देख रहे हैं आप कितने खुशहाल लोग हैं। अरे आज तो बहुत लोग आए हैं। ये खुशहाली बहुत लोगों से देखी नहीं जाती। आज हम उन्हीं कुछ लोगों की बात करने वाले हैं जिनको दूसरों की खुशी नहीं भाती। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। नगरी के बाहर से कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग आए, आते ही भैया वो शोर मचाए, शोर मचाए, शोर मचाए, हिंसा का उल्टा वो पाठ पढ़ाए, लोगों के मन में वो द्वेष जगाए, द्वेष जगाए, द्वेष जगाए, मैं और तुम तो है मानुष बोले, लोगों की बातों को हम क्यों टटोले, सोचूं क्यों मैं अपने मन के अंदर, सोचूं क्यों मैं अपने दिल के अंदर, ये बड़े ही विपरीत में है जैसे हमारी डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज हम फासीवाद की बात क्यों कर रहे हैं, भाई हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है। तो आज आपको लेकर के चलेंगे एक बड़ी ही दुर्लभ दुनिया में। आज आपके सामने उदयगिरी और गिरनार लेकर के आ रहे हैं अपना स्वरचित स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक फासीवाद। सुनो गौर से दुनिया वालों, आपकी मशीन तो बहुत अच्छी है।
लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं फार्मा हूँ, तो आई डोंट हैव एक्सपर्टीज ऑफ दिस मशीन, सो दैट्स व्हाई आई एम आउट. अरे चंगु मंगू, इसे तो आउट होना है. अरे जरा आउट करो इसे. आप ये देखिए भाई, क्या कर रहा है तू? तूने तो बोला था आलू से सोना बनाएगा, ये तो आलू से आलू ही निकल गया. इधर आ, इधर आ बॉस, तेरा दोगला बन निकल गया. अरे क्या बोला? बोल ये क्या है? बोल ये क्या? आलू ही तो, आलू ही तो, आलू ये सोने 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 सोने. चल बैठ बैठ. तो हाँ जज साहब, आपके लिए तो ये सोना है ना? अरे आप लोग एंटी डिक्टेटरशिप इतना क्यों है? अरे आप सोचिए, एक तानाशाह राज मजा आएगा, और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ. सोचिए, गरीबों से हम टैक्स लेंगे और उनका सारा पैसा अमीरों की जेब में जाएगा. अमीर और अमीर होते जाएंगे, और सबसे अमीर पता है कौन होगा? मैं. जो सारा व्यापार होगा देश का, वो केवल दो ही लोग चलाएंगे. और रही बात मीडिया की, वो रहेगी सरकार की जेब में, यानी कि मेरी. ये और इसमें सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसमें सबसे मजेदार ये है कि पूरा देश मेरे मन के इशारों पर नाचेगा. कदम टाटा बाय बाय. तो ये आपने देखा बड़े ही मजेदार अंदाज में कि भाई फासिज्म होती क्या है. पर फासिज्म हमारी बहुत गहरी जड़ों तक जकड़ी हुई है. आज इस फासिज्म का हमारे इस रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे. तो अच्छा अच्छा एक चीज और डिस्क्लेमर कि भैया हमारे पास, किसी के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है. पापा जी, पापा जी. अरे अरे बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? स्कूल में टीचर ने बोला है कि मैंने अपनी फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे. अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? तेरे मम्मी पापा है ना तेरे साथ, हम तेरे स्कूल की सारी फीस भर देंगे. एक काम कर, तू रो मत बेटा, अब इतने से पैसों में मैं अपना घर चलाऊं या अपने बेटे की फीस भरूं? अगर फीस नहीं भरी तो मेरा बेटा पढ़ नहीं पाएगा, अगर घर नहीं चलाया तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा. अरे मैं करूं तो क्या करूं, कब तक अपने घर वालों को झूठे दिलासे देता रहूंगा मैं? भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए एक जनता अमेंडमेंट एक्ट JNRC लागू किया जाता है, जिसके तहत आप सभी को चुनाव में वोट देने के लिए अपने सारे कागज, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दिखाने होंगे. अगर नहीं दिखाए तो आप पे पेनल्टी लगेगी, चाहे आप गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो या कंकारी हो. पापा पापा, ये टीवी में क्या बोल रहे हैं कि हमको कागज की जरूरत है या हमको देश से निकाल देंगे? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा. ये देश हमारा घर है और हमें हमारे घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता. इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र. लोकतंत्र? ये लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, यानी कि इस देश को चलाने वाले लोग इस देश के ही हैं, ना कि कोई आदमी या कोई समाज. लोकतंत्र के चार स्तंभ है, एक टूटता सब बंद है, हर किसी को
नफरत, घृणा, द्वेष, तुम्हारे अंदर का हर वो अंग जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से दूर खींच एक ऐसे कुएं में फेंक देती है जिसमें तुम अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन भी खो देते हो। इस वश में मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार बनाता हूँ जिसे कोई भी पंचाली समुदाय तुम्हारे बीच मुठभेड़ कर कर अपना फायदा कर सकती है। मैं एक ऐसा नशा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी दुनिया बना देता है जहाँ तुम एक बड़ी शतरंज की पारी का प्यादा बनकर खुद ब खुद अपनी आहुति दे देते हो। राज वो शतरंज की बाजी है फांसीवाद, और मैंने तुम्हें ऐसा भागा रखा है कि मेरे मुकाम तक पहुंचने के बाद भी तुम खुद ही को दोष देते हो। अरे देखो देखो आए हम भैया भाभी आए सब खीर पकी है चावल की नुक्कड़ वाले नाटक की ये नाटक सब कुछ बोलेगा ये सारे राज तोलेगा जो छुपा हुआ इसमें की में कानून भी आके खोलेगा कानून भी आके खोलेगा सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा स्वरचित स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक नफरत की आंधी। आजादी 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 नफरत से आजादी समाजवाद से आजादी जातिवाद से आजादी अंबेडकर वाली आजादी सूर्य वाली आजादी 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 देश के नहीं देश के नौकरी बच्चा अपने मालिकों की सुन अपनी नौकरी गवाना चाहता है क्या या फिर अपने बीवी बच्चों से दूर जाकर रहना चाहता है? तहकीकात अभी जारी है इसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। और मेरे पिताजी अभी भी जेल में है।
आप उनके केस की सुनवाई करिए ना। आप क्या तो हुआ है, लेकिन क्या कोई सबूत है? अगर अवक्ता से काम नहीं देगा तो बर्खास्त किए जाओगे। मदद नहीं की। क्या क्या गलती थी मेरे पिता की? क्या इस लोकतंत्र में लोगों की आवाज उठाना क्या गलत है? क्या क्या इस नफरत के नरक में प्यार का बीज बोना कुछ गलत है? गलत है क्या? इस लोकतंत्र में उभरती हुई फांसीवाद पे उंगली उठाना गलत है क्या? मेरी आवाज कोई क्यों नहीं सुनता? मेरे पिताजी अभी भी जेल में हैं। क्या आप बताएंगे? आप बचाएंगे मेरे पिताजी को या आप भी तो लोकतंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में किसी की भी आवाज नहीं सुनते। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं। और मेरे पिताजी इस फांसीवाद का शिकार हुए हैं। लेकिन मैं क्या करूं? क्या हुआ, बड़े दुखी लग रहे हो? वासुदेव, मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया गया है। वो तो सिर्फ एक रिपोर्टर थे और मेरे पिताजी कहते थे कि इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, और इसमें हम सब की आवाज सुनी जाती है। मैं पुलिस, मीडिया, जुडिशरी सब के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। आखिर क्या भूल थी मेरे पिता की? भूल तो समाज की है, उन लोगों की है जिन्होंने देश में नफरत फैलाई और फैलने दी। मैंने तो केवल मनुष्य बनाए। अब अगर आपने धर्म और जाति के नाम पर आपस में भेद किए तो इसमें मेरी थोड़ी गलती है। द्रौपदी का चीरहरण रोकना ये मेरे हाथ में नहीं था, परंतु उसकी शील की रक्षा करना मेरा दायित्व था। उसी प्रकार फांसीवाद को मैं रोक तो नहीं सकता, परंतु समाज की इस दुर्गति को बचाना ये मेरा दायित्व है, और उसके लिए मैं मार्गदर्शन अवश्य दूंगा। पर इस देश मेरे पिता बोलते थे कि हम लोग ही देश का नेता चुनते हैं। अगर हम ही लोग देश का नेता चुनते हैं तो जब मैं नेता के पास गया तो उन्होंने मुझे क्यों भगा दिया? क्या हमारे वोटों का कोई मतलब नहीं?
आखिर इस लोक तत्व का क्या मतलब जब लोगों के मत का मतलब ही ना हो। पार, तुम समझ रहे हो? फांसीवाद, फांसीवाद तुम्हारे अंदर की नफरत की वजह से आता है। तुम्हारे भीतर किसी अन्य समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए जो नफरत पैदा होती है, उसी वजह से समाज में दुर्गति आती है। अब क्या बताओ मैं? देखो, तुम्हारे स्थानीय स्तर पर जो राजनीति है, उसके आधार पर तुम राजकीय स्तर पर जो राजनीति है उसको ध्यान में रखते हुए तो यो मतदान नहीं कर सकते। और इसी वजह से तुम्हें भूत की घटनाओं और देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही व्यक्ति को मतदान देना जरूरी है। पर इस लोकतंत्र में उभरती हुई फांसीवाद का उपाय क्या है? रोकने के लिए मतदान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आजकल की सृष्टि इस मोड़ पर आ चुकी है जहां पर आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, वो जरूरी नहीं कि पूर्णतः सच्चाई हो। उसमें ज्यादातर दिखावा होता है, अतिशयोक्ति होती है। अगर फांसीवाद को रोकना है तो तुम्हें अपनी बुद्धि से और अपनी विवेक से काम लेना होगा। और अगर इस समाज को फांसीवाद से मुक्त करना है, उसके दुर्गति से बचाना है, तो तुम्हें अपना विवेक न खोकर सही निर्णय लेना ही पड़ेगा। वासुदेव, मेरे पिताजी को जेल से कैसे बचाएंगे? तुम्हारे पिताजी जैसे लाखों लोग हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए मैं अवश्य रहूंगा। तुम चिंता मत करो पा। धन्यवाद आप सभी का। आज आपने देखा कैसे फांसीवाद समाज को तोड़ता है और कैसे हम फांसीवाद को रोक सकते हैं। ये थी उदयगिरी और गिरनार की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। चौबीस 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 हाँ चौबीस।